लगभग 90% भारतीय सुबह खाली पेट दूध वाली चाय पीने से अपनी शुरुआत करते हैं। चाय में कैफीन पाया जाता है जिससे कि नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो जाता है। इससे कुछ समय के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है, हमारी थकान मिट जाती है और हमारा तनाव भी कम हो जाता है, हमारा मूड भी पहले से अच्छा हो जाता है। लेकिन जैसे ही फिर से हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता है, हम फिर से एक कप चाय पीने लग जाते हैं और ऐसा करके हम दिन भर में कई कप चाय पी जाते हैं। और सर्दियों में तो फिर हमें चाय पीने का बहाना मिल जाता है। और कभी यदि हमें दिन में चाय ना मिले तो हम काम ही नहीं कर पाते हैं। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि सुबह खाली पेट दूध वाली चाय का सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है और समय के साथ ज्यादा चाय का सेवन करने की आदत हमारे लिए गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे खाली पेट दूध वाली चाय पीने से और ज्यादा चाय का सेवन करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, और हम बात करेंगे अपने घर की रसोई में बनाए जाने वाले चाय के नेचुरल हेल्दी विकल्पों के बारे में। ये विकल्प एक या दो इंग्रेडिएंट से ही बन जाते हैं और इनकी पूरी रेसिपी भी बताई जाएगी। और अगर आप दूध वाली चाय ही पीना चाहते हैं तो उसको बनाने का सही तरीका और उसे कब और कितनी मात्रा में पीना चाहिए ताकि दूध वाली चाय के नुकसान आपको कम से कम हो। चाय बेसिकली भारतीय नहीं है, इसे अंग्रेज अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन दूध वाली चाय को उबाल कर पीने के तरीके की डिस्कवरी शायद हम भारतीयों ने ही की होगी। और आयुर्वेद के हिसाब से भी चाय भारतीयों के लिए नहीं बनी है। भारत एक गर्म देश है और चाय का अधिक सेवन हमारे शरीर में और अधिक गर्मी बढ़ा देगा। भारत जैसे गर्म देश में रहने वाले लोगों के पेट में एसिड ज्यादा मात्रा में होता है, और यदि हम खाली पेट चाय पीते हैं तो इससे हमारे पेट में एसिड और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि चाय एसिडिक इन नेचर होती है। इससे एसिडिक और एल्कलाइन तत्वों का बैलेंस बिगड़ जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाती है और गैस की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। सुबह खाली पेट चाय पीने से बाइल जूस के बनने की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ता है, इससे आपको उल्टी भी आ सकती है। रोजाना खाली पेट चाय पीने से भूख कम लगती है, इससे आपकी भूख मर जाती है और आपकी डाइट कम होने लगती है। इसी कारण बहुत से लोग वजन कम करने के लिए भी चाय पीते हैं, लेकिन उससे उनके शरीर में एसिडिटी और गैस बन जाती है। रोजाना ज्यादा चाय पीने से आंतों में एसिड ज्यादा बनता है जिससे सीने में जलन की समस्या हो सकती है। खाली पेट चाय पीने से पेट में जलन हो सकती है। खाली पेट गर्म चाय पेट के अंदरूनी भाग को नुकसान पहुंचा सकती है और अल्सर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। खाली पेट चाय पीने से आपको एसिडिटी भी हो सकती है, यहाँ तक कि हाइपर एसिडिटी भी हो सकती है। सुबह खाली पेट चाय पीने से आपको एंजाइटी की समस्या भी हो सकती है। ज्यादा चाय का सेवन हमें डिप्रेशन में भी ले जा सकता है। चाय में कैफीन पाया जाता है जिससे कि हमारी नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। खाली पेट चाय पीने से ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाता है। सुबह खाली पेट चाय पीने से ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। खाली पेट चाय पीने से कब्ज की समस्या भी हो सकती है। सुबह खाली पेट चाय पीने से ओरल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचता है, इससे मुंह से बदबू आने की समस्या बढ़ सकती है। सुबह खाली पेट ज्यादा चाय पीने से यूरिन अधिक आने की समस्या होती है जिससे कि ब्लैडर पर दबाव पड़ता है और किडनी खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूध की चाय के अधिक सेवन से दांतों का एनामल खराब हो जाता है जिससे कि दांत कमजोर हो जाते हैं। खाली पेट चाय पीने से हड्डियों से जुड़ी बीमारी भी हो सकती है, इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जोड़ों, मांसपेशियों और कंधों में दर्द हो सकता है और अर्थराइटिस जैसा पेन भी हो सकता है। चाय में कैफीन पाया जाता है और खाली पेट चाय का सेवन करना पेट के लिए नुकसानदायक होता है। ज्यादा दूध वाली चाय पीने से चेहरे पर पिंपल्स की समस्या हो सकती है। चाय का अधिक सेवन दिल के लिए अच्छा नहीं होता है, इससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। ज्यादा दूध वाली चाय के सेवन से हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, अर्थात पानी की कमी हो जाती है। ज्यादा दूध वाली चाय के सेवन करने से हमारा शरीर भोजन से विटामिन और मिनरल्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दूध वाली चाय में ऑक्सालेट कंटेंट पाया जाता है जिससे कि किडनी स्टोन का खतरा भी हो सकता है। दूध वाली चाय के कारण हमारा शरीर आयरन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए जिन्हें भी खून की कमी है वे दूध वाली चाय का सेवन ना करें। खासकर महिलाओं को दूध वाली चाय का कम से कम सेवन करना चाहिए। पुरुषों को ज्यादा दूध वाली चाय के सेवन करने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी हो सकता है। दूध वाली चाय का बहुत गर्म सेवन करने से मुंह और गले का कैंसर होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि इससे गले के टिश्यूज कमजोर हो जाते हैं। चाय में क्योंकि दूध और चीनी का ज्यादा इस्तेमाल होता है जिससे वजन भी बढ़ सकता है और पेट फूला हुआ लग सकता है। दूध वाली चाय के अधिक सेवन से याददाश्त शक्ति भी कमजोर हो जाती है। दूध वाली चाय का अधिक सेवन करने से शरीर में गैस बढ़ जाती है जिससे कमर दर्द की समस्या भी हो सकती है। खाली पेट ज्यादा चाय पीने से पूरा दिन थकान रहती है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। चाय में टैनिन पाया जाता है जो कि पेट में एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या का कारण बन सकता है। काली चाय में दूध डालने पर उसके एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाते हैं और ऐसी चाय शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। आप अक्सर सोचते होंगे कि आप तो अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं, फिर ये बीमारियां आपको कैसे हो रही हैं?
शायद इसके पीछे खाली पेट या ज्यादा दूध वाली चाय का सेवन करना कारण हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं कैसे हम अपने घर की रसोई से सिर्फ एक या दो इंग्रेडिएंट्स के साथ बेहतरीन नेचुरल हेल्दी ग्रीन टी बना सकते हैं, जो आपके सेहत के लिए और आपके पेट के लिए भी अच्छी होगी और उसका टेस्ट भी लाजवाब होगा। सबसे पहले बात करते हैं जीरा पानी बनाने की विधि। इसके लिए आधा चम्मच जीरा लें, एक गिलास पानी लें, फिर इन दोनों को एक बर्तन में डालकर बॉईल करें। इन्हें तब तक बॉईल करें जब तक कि पानी आधा न रह जाए, यानी 4-5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लें। फिर इस मिक्सचर को छानकर एक कप में निकाल लें। आप चाहें तो बिना छाने हुए भी इसे पी सकते हैं जीरे को चबाते हुए, और फिर चाय की चुस्कियों की तरह इसका आनंद लीजिए। आप चाहें तो आधा चम्मच जीरा को एक गिलास पानी में पूरी रात भिगो के रख दें और सुबह इस मिक्सचर को बॉईल करके आप पी भी सकते हैं। आप किसी भी तरीके से जीरा पानी पी सकते हैं और इसे पीते समय जीरा आने पर उसे भी चबाएं। वैसे इसे पूरी रात भिगो के रखें तो शायद और अच्छा रहेगा। इसी तरह से आप मेथी के बीज का भी पानी बना सकते हैं और सौंफ का भी पानी बना सकते हैं। इन्हें भी आप पूरी रात भिगो कर रख सकते हैं और सुबह बॉईल करके इस मिक्सचर को पी लें। इस मिक्सचर को छानकर या बिना छाने हुए दोनों तरीकों से पिया जा सकता है। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो एक गिलास गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच अलसी का पाउडर मिलाएं और पी जाएं। यह भी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। एक और नेचुरल ग्रीन टी बनाने के लिए 1.5 कप पानी लें, उसमें 1/4 चम्मच सौंफ डालें और एक बहुत छोटा सा टुकड़ा अदरक का कूट के डालें और फिर इन्हें अच्छे से बॉईल कर लें जब तक कि 1.5 कप पानी 1 कप ना रह जाए। फिर इसमें स्वाद के अनुसार देसी गुड़ मिला लें। फिर इसे एक गिलास में निकाल के इसे पीने का मजा लीजिए। आप चाहें तो कभी कभार टेस्ट चेंज करने के लिए इसमें सौंफ न डाल के सिर्फ अदरक का छोटा टुकड़ा डालें और पानी में बॉईल करें और बाद में देसी गुड़ मिला के पी लें। और कभी आप चाहें तो इसमें सिर्फ सौंफ मिलाएं और उसे पानी में बॉईल करें, उसके बाद देसी गुड़ मिला के इसे पी लें। इससे आपकी एक ही ग्रीन टी से 3 नेचुरल ग्रीन टी तैयार हो गई। एक और नेचुरल ग्रीन टी है, वो है हल्दी वाला गर्म पानी। उसे बनाने का सही तरीका क्या है और किन लोगों को पीनी चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। गर्मियों में नींबू पानी भी एक अच्छा विकल्प है। आप फ्रेश एलोवेरा के गूदे को भी खा सकते हैं या एलोवेरा जूस बनाकर पी जाएं। गर्मियों में नारियल पानी को भी पिया जा सकता है। तुलसी और अदरक का काढ़ा भी पिया जा सकता है। पुदीने की पत्तियों की भी चाय बनाई जा सकती है। गर्मियों में आप संतरे का रस भी पी सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि संतरे या किसी और फल का जूस पीने से अच्छा है पूरा फल ही खाएं, क्योंकि उसमें फाइबर भी मिलता है। फिर रात को सोते समय यदि आप कुछ पीना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होता है हल्दी वाला गर्म दूध। उसे सही तरीके से कैसे बनाया जाता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और एक और चाय का सबसे अच्छा विकल्प है, वो है गर्म पानी। इसे आप दिन भर में कभी भी पी सकते हैं, लेकिन यदि आपने खाना खाया है तो उसके लगभग आधे घंटे के बाद ही पीजिएगा। फिर भी यदि आप दूध वाली चाय ही पीना चाहते हैं तो उसे बनाने का सही तरीका जान लीजिए। इसके लिए पहले पानी को बॉईल करें, फिर गैस को बंद कर दें, फिर उसमें पत्ती डालें और उसे ढककर 3-4 मिनट के लिए रख दें। याद रखें कि चाय पत्ती को पानी में बॉईल्ड नहीं किया जाता है और दूध को भी अलग से बॉईल किया जाता है। फिर गर्म दूध को एक कप में डालें और उसी कप में पत्ती वाले पानी को डाल दें। ये होता है दूध वाली चाय बनाने का असली तरीका। आप चाहें तो एक बर्तन में दूध को गर्म कर लें और दूसरे बर्तन में पानी को बॉईल कर लें। पानी को 4-5 मिनट के लिए बॉईल करने के बाद गैस बंद कर दें और उस बर्तन में चाय पत्ती को डाल के ऊपर से ढक दें। 3-4 मिनट के बाद जो आपने दूध गर्म किया था उसे एक कप में डालें, फिर पत्ती वाले पानी को उस कप में डालें और स्वाद के अनुसार थोड़ी सी शक्कर या चीनी डालकर मिलाएं और ये आपकी दूध वाली चाय तैयार हो गई। यदि आप कहीं और दूध वाली चाय पी रहे हैं तो कोशिश करिए कि जिस बर्तन में आप दूध वाली चाय बना रहे हैं वो बर्तन साफ हो, क्योंकि जिस बर्तन में पहले से दूध वाली चाय बनाई गई होती है वहाँ पे टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, इसलिए हमेशा साफ बर्तन का ही इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि बाहर कहीं आप दूध वाली चाय ना पिएं, क्योंकि वे लोग बार बार एक ही बर्तन में चाय बनाते हैं और वे उस चाय को उबालते भी बहुत ज्यादा हैं, जिसे कि कड़क चाय भी कहते हैं, लेकिन वो चाय हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। सुबह यदि किसी कारण से खाली पेट आपको दूध वाली चाय पीने भी पड़ रही है तो उसके साथ जरूर कुछ खा लें। नमकीन खाने की जगह बिस्किट या ब्रेड खाएं। याद रहे, खाना खाने के एकदम बाद कोई भी चाय नहीं पी जाती है, इससे खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। आपने कितना भी भारी खाना खाया हो, खाना खाने के आधे घंटे के बाद एक गिलास गर्म पानी पी लीजिएगा, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। दूध वाली चाय के दिन भर में 2 कप से ज्यादा नहीं पीने चाहिए। खाली पेट तो कभी पीना ही मत। ग्रीन टी के साथ ऑब्वियस है कि आप बिस्किट और नमकीन तो खाएंगे नहीं, तो इससे आपका मोटापा भी कम होगा। दूध वाली चाय सुबह खाना खाने के आधे घंटे के बाद,
और शाम को 5-6 बजे तक।